देखिए, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में 162 ग्राम पंचायतें हैं। 162 ग्राम पंचायतों में कहीं पर 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 400 मीटर, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, इस प्रकार से कहीं कहीं दो दो तीन तीन सड़क 100 200 400 मीटर की बनवा करके प्रत्येक विधानसभा को मुख्य मार्ग से सड़कों से जोड़ने का कार्य 4.5 साल के अंदर किया है। इतना ही नहीं, 3 बार के विधायक होने पर हमने दर्जन भर, चाहे नक्टा नाला हो, चाहे कुरना नाला हो, या बथुआ नाला हो, राप्ती नदी हो, गुर्रा नदी हो, सभी नदी नालाओं पर 1 दर्जन के लगभग हमने पुल बनवाने का कार्य किया। अभी इस कार्यकाल में एक शेर सिंह यादव के घर के पीछे ग्राम बीरवा में मझना नाले पर 5.5 करोड़ रुपए के लागत से 1 पक्का पुल बनवाने का कार्य किया है। और इसी कार्यकाल में झिरझिरवा घाट पर सूर्यपुर के पास 5.5 करोड़ रुपए के लागत के लगभग का हमने जो है 1 पुल बनवाने का कार्य किया है। जो है कुरना नाले पर मदनपुर रुद्रपुर मार्ग पर किया है। भगड़ा नाले पर भी हमने जो है खोपा के पास नया पुल बनवाया है। 2-2 पुल और हमारे प्रस्तावित हैं। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लघु सेतु का निर्माण कराया गया है। अरे हम कह रहे हैं कि तो छोड़ो ना, आपके पास जो मंत्रालय उसके काम बता दें। सड़क किसने बनाया जनता को पता है, पुल किसने बनाया जनता को पता है, सब मैंने बनवाया है अपने कार्यकाल में। 2100 करोड़ रुपये के हमने यहाँ प्रोजेक्ट लाए हैं। जितनी सड़कें हैं हर ग्राम रेवेन्यू विलेज को मैंने पिच रोड से मशीन के द्वारा बनवाया है। ये रिपेयर तक नहीं करा पाई है ये सरकार। आज रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर द्वाबा क्षेत्र के नगमा में बनवाने का कार्य शुरू है। रुद्रपुर क्षेत्र में कोई टेक्निकल कॉलेज अभी तक आज़ाद भारत के इतने वर्षों तक नहीं था। राजकीय ITI कॉलेज हमारा जो है ग्राम सेहुड़ा में बन रहा है, पकड़ी बाजार के पास। सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसीलिए जनता नकारने के लिए तैयार बैठी हुई है और नकार रही है हमारे रुद्रपुर के जो आदरणीय विधायक जी हैं, जो मंत्री भी हैं, अपने मंत्रालय के एक काम किए नहीं, अब बता रहे हैं सब काम उन्होंने कराया। इतना झूठ, ये जनता है, जनार्दन है, इसे सब पता है। और रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जब पहली बार मैं 1991 में विधायक हुआ तो मात्र 1 विद्युत सब स्टेशन होता था, और 1996 में जब मैं विधायक हुआ तो 3 विद्युत सब स्टेशन नया बनवा करके 4 विद्युत स्टेशन कायम करने का कार्य किया था। तीसरी बार जब विधायक हुआ हूँ तो 2 नए विद्युत सब स्टेशन इस कार्यकाल में भी हमने मदनपुर के पास मठिया में बनवाया और आज सूर्यपुर में बन रहा है। 3 और प्रस्तावित है, एक नई सरकार की योजना है उसमें 3 और प्रस्तावित है। इस प्रकार से 1 के स्थान पर आज रुद्रपुर विधानसभा में 5-6 बिजली घर काम कर रहे हैं, 7वां पर निर्माण चल रहा है। देवरिया से के बगल में हमारे आपके मुख्यमंत्री, 2 जिला डांक लीजिए उस पार, तो काशी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे पद इस सरकार को जनता ने दे रखे हैं। लखनऊ और दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार है, फिर काम क्यों नहीं किया रुद्रपुर में? झूठ क्यों बोलते हैं लोग? जनता क्या देखने रही काम हुआ कि नहीं हुआ है?